12 शक्तिशाली तरीके जिससे आपकी सेक्स अपील ज्यादा बढ़ सकती है। क्या होता है कि नौजवान जो है वो नेचुरली ऐसा होता है कि 15-16 साल के बाद में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, और हर लड़के को ऐसा लगता है कि भाई लड़कियों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, लड़कियों को लगता है कि लड़कों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, अपने को भाव देना चाहिए, अपने पीछे पीछे आना चाहिए। मगर वो आपकी, आप कैसे दिखते हो, आपकी सेक्स अपील क्या है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक तरीके से आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है कि जिसकी वजह से फिर अपोजिट पार्टनर जो है या अपोजिट पार्टी आपको मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए उत्सुक रहेगी। वो आपके सेक्स अपील के ऊपर रहता है कि भाई आपकी अपील क्या है, सेक्स अपील क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हो सामने वाले को। अभी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होता है या पति पत्नी में भी हो सकता है कि एक दूसरे को हरदम अट्रैक्ट करते रहे। ऐसा नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है कि एक बार शादी हो गई तो बस खलास, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि शादी के बाद में लड़कियां कुछ महीने बाद कंप्लेन करती है कि पहले जिस तरह से ये बात करते थे, पीछे पीछे आते थे, अभी वैसा कुछ नहीं, मानते भी नहीं, बात नहीं करते, कुछ नहीं करते अभी। तो वो जो है जूस वो कायम रखना जरूरी है शादी के बाद में भी। तो कौन से 12 पॉइंट्स है अभी बता रहा हूँ। नंबर एक, हरदम आपका चेहरा जो है ना वो स्माइलिंग रखो, प्रेजेंटेबल रखो, स्माइलिंग रखो, लाफिंग रखो, तो उससे काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। चेहरा लटका हुआ रहा तो किसी को लगता नहीं कि उन्हें बात करना चाहिए करके, तो एकदम स्माइलिंग चेहरा होना चाहिए। और आप किसी भी साथ में भी आते हो तो भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए चेहरा, कि लोग लगना चाहिए कि नहीं इसके साथ में बात करना चाहिए। तो स्माइल जब आप किसी को देखते हैं तो, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही अच्छा अपीयरिंग होना चाहिए। आपके कपड़े जो है वो आउटफिट्स कपड़े बहुत ही अच्छे होना चाहिए, बहुत ही प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एकदम डिजाइंस मॉडर्न होना चाहिए, जो भी कुछ है, मगर वो ऐसे होना चाहिए एकदम साफ सुथरे, मतलब वेल मेंटेन्ड है, प्रेस्ड है, और एकदम कोई मॉडर्न स्टाइल से है ताकि लोग आपके तरफ देखें। तो आउटफिट ड्रेसिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। नंबर तीन, आपका ग्रूमिंग मतलब हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग वो अच्छा होना चाहिए एकदम, कि भाई लोगों को दिखे कि हाँ भाई अच्छी हेयर स्टाइल मेंटेन की हुई, या परफ्यूम लगाया हुआ है कपड़ों के ऊपर, मतलब परफ्यूम है तो उससे भी एक ऐसा सेक्सी अपील जिसको है, या सेक्सी परफ्यूम्स जो है कि लोगों लगना चाहिए इसके पास में जाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा परफ्यूम है, एकदम नया है, मॉडर्न है, नया स्वाद है, नया सुगंध है, तो वो लेना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि स्माइलिंग फेस, नंबर दो बताया कि आपका ड्रेसिंग आउटफिट, नंबर तीन बताया कि ग्रूमिंग मतलब हेयर कट परफ्यूम, नंबर चार बी बोल्ड एंड बी फर्स्ट मूवर, मतलब आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलते हैं तो फर्स्ट आप उनको जाके अप्रोच करो, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करो, आप क्या करते हैं बताओ, और सामने वाले को पूछो कि आप क्या करते हो, ये आपके पहचान के हैं तो जाके पहले बात करो कुछ ना कुछ जो उसके सामने वाले के इंटरेस्ट की है। सो बी द फर्स्ट मूवर ऐसा बोलते हैं नंबर चार। नंबर पाँच, आपका रैपो बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। रैपो बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि सामने वाले में आप इंटरेस्टेड हो ऐसा उसको लगना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करते हो और बहुत उसके इंटीमेट हो ऐसा लगना चाहिए, मतलब आप उसके फर्स्ट नेम से उसको पुकार रहे हैं, या उसके साथ में फिर आदरयुक्त जो नाम बोलना है तो भी आदर से बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, मतलब जो भी कल्चर में बैठता है वहाँ से, है ना। यदि आप कोई फॉरेन व्यक्ति के साथ में या बड़े सिटी के व्यक्ति से और बहुत ही पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको, और आपके एज के हैं तो उनको फर्स्ट नेम से बुलाया बहुत अच्छा लगता है, और कोई सामान्य व्यक्ति है तो उनको भाई दादा ताई, हमारे इधर ये कल्चर में चलता है कि भाई जी साहेब जी सर, मतलब इस तरह से आप बात कर सकते हैं, मैडम इस तरह से आप बात कर सकते हैं, तो रैपो बिल्डिंग बहुत महत्व का है। नंबर छः, कॉन्वर्जेशन, ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कॉन्वर्जेशन, और आप ऐसे कॉन्वर्जेशन करते हो कि जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको भी देखना है कि उसको क्या इंटरेस्ट है, उसका आप नाम पूछते हो, आप क्या करते हो पूछते हैं, तो तुरंत उसको जो इंटरेस्ट है उसका जो विषय उसके बारे में आप कॉन्वर्जेशन चालू कर देते हैं, तो उसके लिए आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना जरूरी है, जनरल नॉलेज, और आपको बोलते आना चाहिए वो विषय के ऊपर, थोड़ा सा सवाल पूछते आना चाहिए। तो नंबर छः कॉन्वर्जेशन। नंबर सात, कभी कभी क्या करना पड़ता है कि सामने वाले को इंटरेस्ट बताने के लिए कभी निगलेक्ट भी करना पड़ता है, मतलब आप किसी को मिलते हैं, समझो कोई लड़की है और लड़की को जाके आप बहुत ही पीछे पीछे करेंगे तो वो आपको टाल देंगे, आप उसको जाके मतलब कुछ तो भी ऐसा बताएंगे कि भाई आप बहुत इंटरेस्टेड हो और उसके पीछे और दो लोग लगे तो, और वो टालना चालू करेंगे, इसके बदले आपने उसको निगलेक्ट कर दिया, देखा ही नहीं उसके तरफ,
उसको भाव नहीं दिया तो उसको लगता है कि अरे बाकी दो लोग भाव दे रहे, ये नहीं भाव दे रहे, क्या पा रहे, तो वो भी फिर आके आपके पास में आएंगे ना, आप क्यों कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो समटाइम्स ये निगलेक्ट की पॉलिसी जो है कि निगलेक्ट द अदर पर्सन, वो बहुत काम में आती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का है। आपने सप्लाई कम कर दिया तो नेचुरली डिमांड बढ़ते रहती है। नंबर 8, 5 सेकंड गेज। यदि आप किसी के आंखों में आंख डाल के 5 सेकंड तक बात करते हो और डीप गेज करते हो, तो सामने वाला ऐसा उसको लगता है कि नहीं भाई ये अपने को चाहता है, या ये अपने से बात करना चाहता है, या उसको ऐसी इच्छा होती है कि नहीं अपन ने इनके साथ में कनेक्शन करना चाहिए। तो 5 सेकंड गेज करके बोलते हैं उसको, 5 सेकंड गेजिंग, डीप 5 सेकंड गेजिंग। नंबर 9, टेक द फोन नंबर। सामने वाले का फोन नंबर आप ले सकते हैं ताकि उसको बाद में आप SMS करो, एक कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज करो, या फिर आप उनको एक दो दिन के बाद में डिनर को बुला सकते हैं, है ना, मिलने को बुला सकते हैं, तो वो बताता है कि नहीं आप इंटरेस्टेड हो सामने वाले को, और सामने वाला भी अट्रैक्ट हो जाता है। नंबर 10, जब आप मिलते हैं तो आप जोक्स करते हो, फनी जोक्स है, और ऐसे जोक्स कि जिसमें आप दोनों भी हंस सकते हैं, ऐसे जोक्स ना किसी के ऊपर, मतलब दोनों भी हंसना चाहिए, ऐसे जोक्स आप जो करते हैं तो उसमें बहुत मजा आएंगे और दोनों को भी बहुत मजा आएंगे, ऐसे जोक्स आपके पास में हरदम तैयार रहना चाहिए। नंबर 11, आप जब किसी के साथ मिलते हैं तो कोई लड़की को ऐसा लड़का पसंद है कि जो बहुत एम्बिशियस है, जिसके पास में गोल है, जो बहुत अग्रेसिव है, जो फ्यूचर की बात करता है, तो लड़कियों को वो पसंद आता है कोई भी, तो वो आपने कुछ ना कुछ तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है कि आपके प्लान्स क्या हैं, आपके क्या एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स क्या है, तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है लड़कियों को, अरे हाँ ये तो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है करके। तो वो आपने ऐसे तरह से होना चाहिए कि ना कि मैं ना होते हुए सामने वाले को मगर बताना चाहिए कि भाई आपके एम्बिशंस और गोल्स क्या क्या है। नंबर 12, जब सामने वाली या सामने वाला पूछता है कि भाई टाइम चाहिए, कब मिल सकते हैं, तो जब कोई पूछता है ना टाइम चाहिए, उस समय टाइम देना नहीं है। सो डोंट गिव टाइम व्हेन आस्क, मतलब स्केयरसिटी, या फिर आप देखो कि भाई कैलेंडर में देखना पड़ेगा मुझे, मतलब आप कितने बहुत बिजी है, ऐसा नहीं खाली बैठे हैं और सामने वाले ने टाइम मांगा तो आपने हाँ बोल दिया, तो उसमें भी आपकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे सामने वाला आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे 12 पॉइंट्स है कि जिसका आप इस्तेमाल करते हो, डेफिनेटली आपका सेक्स अपील बढ़ेगा, आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिसको लोगों को चाहते हैं कि नहीं भाई इनसे मिलना चाहिए, इनके साथ में बातचीत करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।